बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेकर्स की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले क्रू मेंबर्स ने आरोप लगाया कि फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने फीस क्लियर नहीं की है। उसके बाद अब खबर आई कि डायरेक्टर अली अब्बास जफर को भी अपनी फीस पूरी नहीं मिली है। हाल ही में फिल्म के एक्टर रोनित रॉय ने बताया कि उन्हें भी अपनी फीस नहीं मिली थी। बाद में अली अब्बास जफर की वजह से उन्हें अपना पैसा मिला। रोनित ने जूम को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैं लकी हूँ कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ पर काम करने के लिए मेरी फीस का बड़ा हिस्सा मुझे मिल चुका है। वो पैसा वाशु भगनानी से आने वाला था और वहाँ से आया भी, लेकिन ये तभी हो पाया जब हिमांशु मेहरा, जो अली अब्बास जफर के साथ काम करते हैं, वो बीच में आए। मेरे स्टाफ और सिक्योरिटी टीम की फीस भी डिले हो रही थी, लेकिन वो भी हिमांशु की वजह से मिल पाई। रोनित से पूछा गया कि जफर को अपनी फीस के 7 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं, क्या उन्हें इसकी जानकारी है। इस पर रोनित ने बताया कि इस बात की जानकारी सभी को है, बस उन्हें ये नहीं पता था कि वो आंकड़ा 7 करोड़ का है। आपको बता दें कि अली अब्बास जफर ने वाशु के खिलाफ फॉर्मल शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने डायरेक्टर एसोसिएशन में पूजा एंटरटेनमेंट के खिलाफ 7 करोड़ 30 लाख रुपए नहीं चुकाने की शिकायत की थी। अली ने डायरेक्टर एसोसिएशन में शिकायत की, जिसके बाद इसे फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ के पास भेजा गया था। वाशु से इस मामले पर जवाब मांगा गया तो उन्होंने अली के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब वाशु ने इस मामले में 17 पन्ने की शिकायत की है, जिसमें अली अब्बास जफर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 सितंबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में जैकी और वाशु ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रोड्यूसर्स ने अली अब्बास जफर पर फिल्म की शूटिंग के दौरान अबू धाबी से मिली सब्सिडी को हड़पने का आरोप लगाया है। वाशु ने ये शिकायत जफर और टीनू देसाई की शिकायत दर्ज करवाने के बाद करवाई, जिसमें जफर और टीनू ने नॉन पेमेंट इशू का आरोप लगाया था। इस शिकायत में ये भी बताया गया कि जफर बड़े मियाँ छोटे मियाँ का पूरा क्रेडिट लेना चाहते थे, डायरेक्टर राइटर और प्रोड्यूसर का भी क्रेडिट वो लेना चाहते थे। टीम ने फिल्म पर टोटल 125 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया था। इसमें स्टार्स की फीस और डायरेक्टर की फीस जुड़ी हुई नहीं थी। प्रोड्यूसर्स ने दावा किया कि अली अब्बास ने धीरे धीरे इस फिल्म के प्रोडक्शन का काम अपने हाथों में ले लिया और अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रोडक्शन में बिना प्रोड्यूसर्स की कंसेंट के इसका बजट 6 करोड़ रुपये और बढ़ा दिया गया। पूजा एंटरटेनमेंट ने यह भी आरोप लगाया कि अली अब्बास जफर ने पूरे प्रोडक्शन को हाईजैक कर लिया था। किसी भी तरह के सजेशन को भी वो नहीं मान रहे थे। जैसे प्रोड्यूसर्स की तरफ से फिल्म में माधुरी दीक्षित को लेने की बात कही गई थी, मगर पूरे प्रोडक्शन का बजट 15 करोड़ ऑलरेडी बढ़ चुका था, इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। रोनित ने इंटरव्यू के अंत में कहा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ पर काम करना बहुत बुरा अनुभव था और उन्होंने कहा कि वो फिर कभी वाशु भगनानी के साथ काम नहीं करेंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथी यमन। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।